दोस्तों फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप एक क्रिएटिव फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, एक आर्टिस्टिक पिक्चर्स आप निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर सही गियर्स का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं बात करूँगा दोस्तों एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो कि कैनन का कैमरा है और कैनन का लेंस है, साथ में एक फ्लैश रहेगा। बस इस कॉम्बिनेशन के साथ आज हम कोशिश करेंगे कुछ स्टनिंग पोर्ट्रेट्स निकालने की। इस तरह के पोर्ट्रेट जो मॉडलिंग फोटोग्राफी में, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में काफ़ी जो है उनका चलन होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, पूरा लाइटिंग सेटअप आपको समझाऊंगा, पूरी कैमरा सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गियर्स की। तो आज जो मैं कॉम्बो यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो कैनन का कैमरा है वो है कैनन R6, और साथ में जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है कैनन का RF सीरीज़ का 85mm 1.2 लेंस, जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही एक सही लेंस है। तो ये तो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे कैमरा और लेंस का। अब बात करते हैं आज हमारे फ्लैश की। तो मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों गोडॉक्स का, मेरे हाथ में देख पा रहे हो गोडॉक्स का AD400 Pro, और साथ में आप देख पा रहे हो गोडॉक्स का जो है एक ऑक्टा शॉट बॉक्स है 60 सेंटीमीटर्स का। तो बस ये हमारे आज मिनिमम गियर्स हैं। अब कोशिश करेंगे इसके ऊपर आज थोड़े स्टनिंग पोर्ट्रेट्स निकालें। कमेंट करके आप मुझे बताते रहिए कि आपको पिक्चर्स कैसी लग रही हैं। अब आज मेरे साथ जो मॉडल और एक्टर काम कर रहा है वो है आरिफ शेख, और आरिफ शेख का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे लगा दिया है, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और मॉडल है। अब बात करते हैं दोस्तों आज कैनन के R6 की कैमरा सेटिंग्स की। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सेटिंग्स रखी है, यानी कि मैंने अपने कैमरा को सेट किया है रॉ पे, यानी कि जो भी पिक्चर्स मैं लूँगा वो मैं रॉ पे शूट करने वाला हूँ, तो आप अपने रॉ पे ले लीजिए कैमरा को जल्दी से। दूसरा जो मेरा कैमरा सेटिंग रहेगा वो रहेगा कलर स्पेस का, तो वो मैंने रखा है यहाँ पे एडोबी RGB, क्योंकि जब बाद में हम इमेजेस को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर आपके जो कलर्स हैं वो आपको सेम दिखाई देंगे, चाहे आप फोटोशॉप पे इस पिक्चर को खोलो या किसी और सॉफ्टवेयर में भी। तो कलर स्पेस आप रखिएगा एडोबी RGB। अब बात करते हैं हमारे कलर्स की। तो यहाँ पर मैंने रखा है इसको न्यूट्रल कलर के ऊपर। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं कि भाई जहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड पे रखना है या आपको स्टैंडर्ड पे रखना है, तो यहाँ पर मैंने जो मोड रखा है वो रखा है न्यूट्रल, ताकि जब आप बाद में कलर ग्रेड करें तो आपकी इमेजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी दिखाई देंगी। उसके अलावा जो मेरा अगला कैमरा सेटिंग रहेगा वो रहेगा वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस फिलहाल मैंने रखा है यहाँ ऑटो के ऊपर, अगर मैं चेंज करूँगा अगले शॉट में तो वो आपको मैं बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे लाइटिंग सेटअप की। तो जैसा कि मैंने आपको अपना गियर्स बताया था, AD400 Pro में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा देखिए इस तरह से जो है इनके पे फोकस करने के लिए, थोड़ा सा बाहर आएंगे जस्ट एक पोज है एक बार, तो इनका जो पोजिंग है कुछ इस तरह से रहने वाला है देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर जो लाइट है ये इस तरह से मेरा असिस्टेंट जो है थ्रो करेगा, तो ऑलमोस्ट कुछ 3 फीट का डिस्टेंस हमने रखा है यहाँ पे। और यहाँ मैं एक बार दिखा दूँ आपको जो सामने से देखिए लाइट को, यहाँ मैंने ग्रिड भी लगाया हुआ है। अब ग्रिड लगाने का कारण ये है कि इस पर आपको पूरा डायरेक्शनल लाइट मिलेगी, यानी कि लाइट स्प्रेड नहीं होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पर मैं हाई स्पीड सिंक पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरी जो कैमरा सेटिंग रहने वाली है वो मैं शूट कर रहा हूँ F1.4 पे, और करीब 4000 मेरा शटर स्पीड रहेगा एंड ISO 100। और वाइट बैलेंस जैसे मैंने बताया आपको ऑटो पे रखा है, देखते हैं पिक्चर कैसी आती है। आर यू रेडी? चलिए लेते हैं शॉट। आरिफ एंड टेकिंग ब्यूटीफुल, होल्ड इट। चलिए एक पिक्चर, लुक देयर, यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेता हूँ इनका, होल्ड इट, वन मोर, या थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहा हूँ मैं, होल्ड इट होल्ड इट, दिस इज नाइस। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने लिए हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको कलर्स कैसे लग रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर का लुक कैसा लग रहा है। और यहाँ पर हमने जो है इस दो कॉम्बिनेशन के साथ में अच्छे खासे जो है पोर्ट्रेट्स अचीव किए हैं। चलिए अब जो है हमने मॉडल का पोजीशन चेंज किया है थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा यहाँ से लाइट लगाने के लिए। सेम लाइटिंग है, बस थोड़ा सा जो है फाइन ट्यून करना पड़ता है। इस तरह से आपको फ्लैश को थोड़ा डिस्टेंस के साथ में कुछ टेस्ट शॉट लेंगे तो आपको अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे। कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, लेते हैं एक पिक्चर। यस, मोर एनर्जी, या वेरी नाइस, होल्ड इट, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक शॉट और देखते हैं कि किस तरह से निकल गया था हमारा पोर्ट्रेट। ये मॉडलिंग पोर्टफोलियो में इस तरह के पिक्चर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी ड्रामेटिक लाइटिंग मिली है। और थोड़ा सा इधर से देखता था, यहाँ पे आ जाइए हल्का सा और इधर, हाँ बस इधर, वेरी नाइस। एक पिक्चर और लेते हैं हम यहाँ पे, लुक हियर, होल्ड इट, ब्यूटीफुल टेकिंग। ये कुछ दो पिक्चर्स मैंने और लिए हैं, एक पिक्चर मैं और लेता हूँ यहाँ पे,
थोड़ा सा बाहर और जाएगा। हाँ हाँ, लुक अप, ब्यूटिफुल, होल्ड इट, थैंक यू। चलिए, अब मैंने उनको उनका आउटफिट चेंज किया, एक जैकेट डाला है ऊपर और पोजीशन भी चेंज किया है। यहाँ पर सेम लाइटिंग सेटअप रहेगा, बट मैंने अभी अपने जो फ्लैश है उसका इंटेंसिटी जो है काफ़ी घटा दिया है, ताकि एम्बिएंट लाइट जो इस वक्त शाम का टाइम है वो लाइट भी हमें मिले। जैसे पहले शॉट्स में फ्लैश ने कम्प्लीटली ओवर पावर कर लिया था लाइट को, तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा एम्बिएंट लाइट भी मिलेगा और थोड़ा हमारा फ्लैश का इफेक्ट भी मिलेगा। चलिए लेते हैं पिक्चर, और कुछ है दो तीन पिक्चर्स लेके देखता हूँ मैं। तो देखिए, बीच में से एक दरवाजे के बीच में से कार के मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ एक। हाँ, लुक हियर, वेरी नाइस, होल्ड इट, ओके, वन मोर, या लुक हियर, या होल्ड इट, होल्ड इट, ब्यूटिफुल, लुक बैक, हाँ, या होल्ड इट, यस, वेरी नाइस। ये कुछ तीन पिक्चर्स लिए हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस तरह के पिक्चर्स लग रहे हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप रखा है, बट थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पोर्ट्रेट्स जो हैं वो काफ़ी इंप्रूव होंगे। यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने अभी ब्लैक एंड व्हाइट में लिए, और इस लास्ट वाले सीरीज के अंदर मैंने जो है फ्लैश यूज़ नहीं किया, विदाउट फ्लैश यूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन आरएफ का 1.2 लेंस। तो आप देख रहे हैं कितने लो लाइट के अंदर भी मुझे कितने अच्छे पिक्चर्स मिले। तो इस तरह से अगर आपके पास में एक 85mm का पोर्ट्रेट लेंस है, एक आपके पास में अच्छी बॉडी कैनन R6 जैसी, और जो कैमरा सेटिंग्स मैंने बताई अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे, और साथ में आपके पास में गोडॉक्स का एक फ्लैश है, और जैसा कि मैंने बताया एक छोटा सा 60 सेंटीमीटर का ऑक्टा शॉट बॉक्स, तो इस तरह आप बहुत सारे पिक्चर्स अलग अलग थीम में क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो, या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी भी तरह का क्रिएटिव काम। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर हमारे पास में गियर्स अच्छे होंगे, हम अच्छी प्रॉप्स यूज़ करते हैं और अपने मॉडल की बॉडी लैंग्वेज पर अच्छी अटेंशन देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे पिक्चर्स जो है वो मिल सकते हैं। उम्मीद है आज के फोटोज़ आपको पसंद आए होंगे, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।